कैसे जैसा भैया, फिर क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ आ जाओ पाकिस्तान में, आने वाले समय में एसीसी के हम चेयरमैन बनेंगे, तुम आईसीसी के, लेकिन तुम्हारे राष्ट्रीय की रुकावट है, हम वोट नहीं देंगे, तुम नहीं बन पाओगे, इसलिए आ जाओ, तुम्हारा भला है। हाँ जे भैया, हमारा मौसम सही कह रहा है यार, तुम्हारा ही फायदा, देखा जाए हमारा कोई फायदा नहीं, हमारे को केवल चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच तुम्हारे देश का मिलेगा, बाकी तो वैसे भी इधर होंगे, फायदा तुम्हारा, तुम चेयरमैन भी बन जाओगे और फिर एशिया कप खेलने हमारी टीम भी आ जाएगी। अभी आरपीसीबी के चेयरमैन और शहबाज शरीफ भैया, हम तो आने के लिए तैयार हैं, हमने कब ना बोला, बस हमारा गवर्नमेंट ये मोदी बोल देना कि जाओ, हम अभी भाग जाएं यार, 6 महीने पहले ही तुम्हारे देश में आ जाएं, लेकिन ये इजाजत नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जय बेटा छोड़ इनको, पाकिस्तान वालों को दफा कर। अबे पाकिस्तान वालों, तुमको नहीं आना तो बाहर में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम नहीं जाएंगे ना, हमारे एक मैच की वजह से तुम्हारी भैया फट जाएगी, हम तो नहीं आएंगे, हम क्यों आए भैया। अभी मोदी के बच्चे बंदे का पुत्र बन जाए भैया, समझा इसको, तेरे को आईसीसी की चेयरमैन की कुर्सी भी मिलेगी और हम भी आएंगे, इंडिया माला माल हो जाएगा एशिया कप से, नहीं तो हम होंगे एसीसी के सदर, तो पूरा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में करवा देंगे। अरे मौसम भूतनी के, ये जय क्या समझाएगा इसको, हम ऑर्डर देंगे, ये चुपचाप मानेगा, और तुम भैया ले जाओ पूरा एशिया कप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ना आए ना तुम्हारी हालत पहले भिखारी जैसी है, फिर ऐसी हो जाएगी, कोई भीख मांगने से आपको भीख नहीं देगा, हम यही हालत करेंगे आपकी। अरे बस कर मोदी के बच्चे, अबे भूतनी के, तेरी भूखनी बच जाएगी, भूतनी से हमसे पंगा ले रहा, खामखा भूतनी के बंदे का पुत्र बन जा, अपनी टीम को भेज दे, तुम हमको जानते नहीं, हम अपनी पे आगे ना भूतनी वालों, कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। अरे मोहसिन भैया, अपने प्रधानमंत्री को समझा, फोकट में ज्यादा कुछ टेंटे कर रहा है यार, तुम्हारे औकात नहीं हमसे पंगा लो, तुम भैया क्या पहले नंगे हो, इसलिए समझा डालो भैया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ जो करना कर लो। अरे बस जय भूतनी के ससुर के नाती, हम खामोश बैठे, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा कुछ कर देंगे फिर तुम अपने पिछवाड़े पे हाथ लगा लगा के देखोगे ये क्या हुआ, इसलिए ये समय है, समझा रहे हैं, समझो, नहीं तो सबर करो, वक्त आने में पता चल जाएगा हम क्या करते। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।